वंदे मातरम दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो YouTube में अपलोड किया है। आप लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ये वही वीडियो है जिसके स्पीच को कॉपी करके कन्हैया कुमार के दूसरे वीडियो के ऊपर में सुपर इम्पोज किया गया था, जिसके कारण बताया गया था कि दूसरा स्पीच डॉक्टर्ड है। और इस वीडियो को सुना है कि काफी मीडिया चैनल्स ने भी बार बार दिखाया है, और मैंने भी इस वीडियो को मैंने पहली बार ही देखा एंड मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया। शॉक इसलिए हो गया कि इस स्पीच को देखने के बाद और इसके कॉन्टेक्स्ट में कन्हैया कुमार ने रिलीज होने के बाद में जो भी भाषणबाजी की है, उसको देखकर भी, उसको समझ के भी, अगर हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सो कॉल्ड एमिनेंट जर्नलिस्ट्स अगर ये नहीं समझ पा रहे कि वी आर सपोर्टिंग, वी आर एंडोर्सिंग अ ब्लडी ब्लेटेंट केस ऑफ ट्रेटरशिप, वी आर ओपनली सपोर्टिंग गद्दारी, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा तो वो या तो बेवकूफ हैं और या कुछ जरूरत से ज्यादा चालाक। मैं इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के कुछ नारे बताता हूं जो उसके अंदर में चिल्लाए गए हैं। कहा गया है, लड़के लेंगे आजादी, अफजल ने बोला आजादी, अशफाक ने बोला आजादी। ये अशफाक, मैं आपको बता दूं कौन था, ये अशफाक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का कमांडर इन चीफ था, बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसने सैकड़ों कत्लेआम किए, और उसके बाद में हमारी आर्मी ने सन 1990 में अप्रोक्सीमेटली इसको खत्म किया। उसके बाद आगे बोलते हैं, बंदूक के दम पर आजादी, एक बार नहीं दो बार बोलते हैं बंदूक के दम पर आजादी, मोदी तू सुन ले आजादी, तोगड़िया सुन ले आजादी, मुफ्ती तू सुन ले आजादी, आजादी आजादी भारत से लेंगे आजादी, वगैरह वगैरह। और मजे की बात है कि जिस जो ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था उसको अचानक से वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया, उसको रोकने वाला और कोई नहीं था, ये कन्हैया कुमार था। ये जब वीडियो घूमता है तो आप उसके अंदर में देखेंगे, साथ में उमर खालिद भी था। वीडियो बनाने वाले की आईडी चेक करवा रहा था, बोला कहीं ये कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ गया, लेकिन जो लोग नारे लगा रहे थे उनकी आईडी के बारे में कुछ नहीं। वहां पर कन्हैया कुमार जी का और इनके सपोर्टर्स का कहना ये है कि भाई वो तो वहां पर खड़ा था बाकी लोगों के जैसे। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, जैसा कि जेएनयू के रजिस्ट्रार ने कहा, उसने इवेंट के लिए परमिशन लिया, अलग से उनको कॉल किया जब उन्होंने इवेंट कैंसिल, जब रजिस्ट्रार ने इवेंट कैंसिल करने का फैसला किया तो उनको कॉल करके बोला कि इवेंट को कैंसिल मत होने दीजिए, और अगर जेएनयू के जो रजिस्ट्रार के बयान को भी अगर हम कंसिडर ना करें तो भी इस वीडियो से साफ दिखता है कि वो वहां पर थे। इस प्रकार के नारे अगर पाकिस्तान में लगे तब भी मेरे जैसे व्यक्ति का, किसी भी नेशनलिस्ट व्यक्ति का खून खौल जाए कि ये क्या बकवास चल रहा है, हाउ डेयर दे कैन टॉक लाइक दिस। और ये दिल्ली के हार्ट में, जेएनयू के अंदर में, ब्लडी हमारे पैसों से आप वहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर आप बैठ के किसी भी टाइम पास कोर्स के अंदर में घुस जाते हो, और उसके बाद में देश के विरोध में नारे लगते हैं, आप वहां पर खड़े और बोलते हैं मैं लगाने वाला नहीं था। एंड मजे की बात है, उसके बाद में जब आप सरकार से रिलीज होकर, आप जब पुलिस से रिलीज होकर आते हो तो आप रिलीज होने के बाद में इमीडिएटली जब अपना एक सो कॉल्ड अपने गद्दारों के पूरे फौज के बीच में, और हमारे भी जो गद्दार जर्नलिस्ट और सारे गद्दार पॉलिटिशियन जिसको वाह 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 कह रहे हैं आप, सारे भीड़ के ऊपर उनके सामने जब आप एक बकवास सा एक भाषण देते हो, उसके अंत में आप नारे क्या लगाते हो, कॉमरेड उमर खालिद को लाल सलाम, कॉमरेड अनिर्बान को लाल सलाम। ये वही खालिद साहब है जो इस वीडियो में भी आपको दिख रहे हैं इनके साथ में, और ये वही खालिद और उमर है जिन्होंने पुलिस के आगे ये भी एक्सेप्ट किया है कि ये भारत के विरोध में जो पोस्टर्स लगे, जो नारे लगे, इन सबको लिखने में, इन सबको तैयार करने में, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, वो सब प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व थे। तो जो ओपनली देश के विरोध में, देश के सेपरेशन के बारे में बात कर रहा है, आप उनको एंडोर्स कर रहे हो, आप कोर्ट की चेतावनी के बावजूद कि कोर्ट ने कहा कि यार बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली है, अगर इसको आप हल्के में लोगे, अगर आपने कोई भी देश के विरुद्ध काम किया ये बर्दाश्त नहीं होगा, उसके बावजूद आप बेशर्मों के जैसे ये कर रहे हो, ऊपर से अपने भाषण में ये भी कहते हो कि मैं सब जुडिस मैटर के ऊपर तो कुछ नहीं कहूंगा, लोग इशारों इशारों में समझ ले, मैंने समझ लिया इशारों में,
और कोई भी समझदार दिमाग वाला होगा वो साफ साफ इशारों में समझ जाएगा कि यू आर ब्लडी एक्टिंग एज अ स्टूज ऑफ द टेररिस्ट, आप ये टेररिस्ट के छोटे भैये एक चमचा बनने की कोशिश कर रहे हो। क्यों बन रहे हो, उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है, मैं इसके ऊपर में नहीं जाऊंगा। बकवास आप इस प्रकार की करते हो, जुमलेबाजी की आप बात कर रहे थे कि 3,000 रुपए में मेरा घर चलता है, आपको यहां से जो स्टाइपेंड मिलता है उसका आप क्या करते हो। यदि आपका घर 3,000 रुपए में चलता है तो आप अपने जो भी स्टाइपेंड की कमाई आप घर में क्यों नहीं भेजते। ऐसा तो नहीं है कि ये सारा का सारा आप इस कश्मीर के सेपरेशन के मुद्दे से आतंकवाद को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल हो कि अपना सारा पैसा यहां पर डालते हो, और या फिर आप झूठ बोल रहे हो। 29-30 साल की उम्र में अगर आपका घर 3,000 में चल नहीं पा रहा है, आप यहां पर बैठ के अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी करने के लिए पहुंच जाते हो, और अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है, आप पीएचडी में क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका पूरा टाइम जा रहा है यहां पर कश्मीर के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने में, आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और नारे, जैसा कि मैंने कहा, नारे लग रहे हैं बंदूक के दम पर आजादी। अब जो जिहादी पागल वहां पर यह चिल्ला रहे हैं कि हम बंदूक के दम पर आजादी लेंगे, तो अगर वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले वैसे लोग अगर सामने दिख जाते हैं, उनको अगर कुछ लॉयर्स कुछ लोग अगर कहीं भी जाकर पीटते हैं तो मैं उनको गलत क्या बोलूं, क्योंकि ये तो खुलेआम इन्होंने अनाउंस किया है कि भैया तुम चाहे हमें डंडे मारो तो आजादी, आप हमें जेल में भरो तो आजादी, हम बंदूक के दम पे लेंगे आजादी। मतलब आपको अगर हम जेल में भी अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, आप कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं कि बंदूक चलाकर आप आजादी लोगे। और जिस प्रकार से जिहादी अटैक पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को हाईलाइट कराना चाहता हूं कि अब वो जमाने भी गए जब बहुत प्लान करके अटैक होते थे। अब तो ये 72 हूरे और शराब जो इनको जन्नत में मिलेगा उनके सपने में ये बेवकूफ कहीं भी आ जाते हैं रैंडमली। इसराइल में जैसे केस देखा गया है, एक चक्कू लेकर आ जाएंगे, कहीं पे भी किसी को भी मार देंगे, तब तक मारते रहेंगे लोगों को जब तक कोई पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले, कोई गोली ना मार दे। गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी लेकर सीधा जहां भीड़ होगी उनके ऊपर में चढ़ा देंगे, जितने लोग मर गए निकलेंगे, रैंडमली गोली मारने लगेंगे जब तक वो मरने जाए। सुसाइड बॉम्बर्स हैं, आपने सिडनी के अंदर में क्या हुआ, कॉफी शॉप के अंदर में घुसकर उन्होंने रैंडमली लोगों को मारना चालू कर दिया, अब उनको निकालना मुश्किल। पेरिस के अंदर में इस तरह से, तो जहां पर इस प्रकार के केस हो रहे हैं कि कोई भी एक दो व्यक्ति कहीं से भी घुस आता है और रैंडमली मारने लगता है, मुंबई अटैक्स में भी सेम चीज हुआ। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन चल रहा है तो उसके अंदर में अगर कोई बोलता है कि बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, वैसा व्यक्ति तो मेरे को सामने मिलेगा, मैं उसको पीटूंगा। अजमल कसाब जब वहां पर मुंबई में रेलवे स्टेशन के ऊपर में जब बंदूक चला रहा था, तो क्या मैं वेट करता कि भैया बंदूक चलाए उसके बाद मारे कितने मर गए। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता, आप में से भी कोई भी देशभक्त वहां पर होता, आपको पता चलता कि इसका नियत यह है कि बंदूक के दम पर अभी आजादी लेने जाएगा, आप उसके पहले उसकी पिटाई करते। तो इसलिए अगर वो इस प्रकार के बयान दे रहा है, इस प्रकार के वीडियोस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने इसको पीटा है या जिस प्रकार के लोगों को पीटते हैं वो कोई गलत कर रहे हैं, सॉरी टू से। अब आप ये लॉ ऑर्डर का मामला है, मैं इसको लॉ के एंगल से नहीं बोल रहा, लेकिन जहां पर देश में ये सिचुएशन है, महाशिवरात्रि आती है उस समय में हमारे पास में एक खबर आती है कि एक टेरर अलर्ट है, कुछ भी हो सकता है। जब हम इस तरह के माहौल में रह रहे हैं, वी हैव टू डू एवरीथिंग टू स्टॉप सच टेररिस्ट्स, एंड वी एज सिटीजन्स, वी एज सिविलियंस विल हैव टू डू एवरीथिंग। सेल्फ डिफेंस के लिए किसी का खून करना भी गलत नहीं है, यहाँ पे लाखों जानों की बात चल रही है और हम यहाँ पर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे नारा क्या देते हैं, मोदी सुन ले आजादी, तोगड़िया सुन ले आजादी। ये तोगड़िया का नाम भी क्यों आया, मैं आपको बता दूं, तोगड़िया का नाम इसलिए आया क्योंकि तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के चीफ हैं और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि बीफ बैन को हम सपोर्ट करते हैं, भारत में गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये सारे ब्लडी बास्टर्ड्स, ये जितने लोग ये जेएनयू वाले थे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मगर मैं इस तरह के आतंकवादियों को इस प्रकार के देश विरोधी गद्दारों के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकता, सॉरी टू से, बट इन लोगों ने उसके विरोध में वहां पर बीफ फेस्टिवल्स किए कि आइए आप बीफ खाइए। अभी ये बरखादत जी, वो अनुपम खेर का आपने सुना होगा स्पीच जो उन्होंने टेलीग्राफ कॉन्क्लेव में दिया, बहुत ही शानदार स्पीच था, लेकिन उसके बाद में बरखादत जी का मैंने बकवास स्पीच सुना, अपने अंग्रेजी हाई फाइक अंग्रेजी के दम पे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, बोलते हैं कि मैंने उस छोटे से बच्चे, ये 30 साल का बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, क्या नाम है उसका, कन्हैया कुमार, उससे पूछा कि तुम आजादी का मतलब तुम्हारे लिए क्या है, उसने कहा कि आजादी का मतलब है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट करना आजादी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि द कंट्री शुड इवॉल्व टू
सिचुएशन जहां पर हम गो हत्या को बंद करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट इज नॉट अबाउट एनी डिबेट। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इतना वैल्यू करते हो तो सबसे पहले तो आप बीफ बैन को सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बीफ बैन जो बात की गई है वो गलत है, अंबेडकर साहब गलत थे जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर बीफ बैन डाला, आपको लगता है कि महात्मा गांधी बेवकूफ थे जो गो हत्या के विरोध में थे, या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस चीज को एंडोर्स किया था, या जितने भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्पेसिफिकली डाला कि गाय और बैल इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है बेवकूफ है तो एक पूरा प्रोसेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, सेक्युलर वर्ड भी अमेंडमेंट करके ही जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाइए, आप क्या करते हैं, नहीं मुझे तो बीफ अच्छा लगा मैं बीफ खाऊंगा, हम यहाँ पे बीफ फेस्टिवल मनाएंगे। आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटीज करते हो उसके बाद में बोलते हो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सब कुछ है। तो हाँ, तो मैं इस बात पे आता हूं कि ये इसलिए तो गड़िया का नाम लिया गया क्योंकि वो बीफ बैन के सपोर्ट में है। और आईएसआईएस ने अपने कुछ दिनों पहले जो उनका कवर मैगजीन निकलता है उस मैगजीन उन्होंने साफ साफ भारत को धमकी दी है और भारत के उन हिंदीवादी ऑर्गेनाइजेशंस को धमकी दी है, मेरे जैसे व्यक्ति को धमकी दी है, आपके जैसे लोगों को धमकी दी है कि जो ये बीफ के विरोध में है, जो काऊ और काऊ किलिंग के विरोध में है, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एनालिटिक्स का व्यक्ति हूं, अगर मैं एनालिटिक्स के रूप में करूं, अगर मैं अपने एल्गोरिदम के अंदर में ये सारे इंफॉर्मेशन को डालूं और मैंने डाल के देखा है तो बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन मिलता है उस आईएसआईएस का, इस कन्हैया कुमार का, इस सारे बरखादत राजदीप सारदेसाई सागरी का, घोष, वो जस्टिस गांगुली वगैरह बाकी बकवास लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके बीच में, एल्गोरिदम मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं उसके हिसाब से बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन मिलता है कि ये सब कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में एक ही उस टेरर नेक्सस के पार्ट हैं जो देश के लिए पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा सबसे बड़ा इस समय का सबसे बड़ा खतरा है। आई एम नॉट क्लेमिंग दे आर, ऑल आई एम सेइंग इज कि मैथमेटिकली अगर आप कोरिलेशन रिग्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप कुछ उसके टेक्निक्स को यूज करेंगे तो स्ट्रांग कोरिलेशन, इट मे बी अ स्पूरियस कोरिलेशन बट ये बहुत क्लियर है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नारा लगाया नहीं लगाया ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ओसामा बिन लादेन ने जैसा मैंने कहा कि उसने तो प्लेन नहीं फोड़ा था, अगर इस वीडियो और इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में उसने जो वापस आकर स्पीच दिया उसको देखने के बाद में भी हमारे ये जर्नलिस्ट, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे सो कॉल्ड एक्स जुडिशरी मेंबर्स जो अचानक से बड़े इनटॉलरेंस को लेकर पागल हो रखे हैं, अगर उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे लगता है या तो वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मे बी मैं अपने इंटेलेक्ट को थोड़ा ज्यादा सुपीरियरली रेट कर रहा हूं बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई पाप है। या तो वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं और या ज्यादा जरूरत से ज्यादा समझदार है, इधर दे आर इडियट्स, इधर दे आर डोंकीज, और वो रंगे सियार है। और अगर वो इतने बेवकूफ है कि इतना बड़ा उनको पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा तो फिर वो जो भी जिस पोजीशन में है, चाहे वो किसी पार्टी के लीडर्स हैं या कोई जर्नलिस्ट है, उनको अपने पोजीशन में रहने तक का अधिकार नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो अपने ड्यूटी को ठीक से कर सके। इतना क्लियर क्लियर अगर ऑब्वियस चीज नहीं दिख रहा उसके बाद में अगले दिन आप मीडिया में उनको ग्लोरीफाई करके दिखाते हो, वाओ अ न्यू लीडर इज बॉर्न, क्योंकि उसने उमर खालिद को लाल सलाम दिया, उसने अनिर्बान को लाल सलाम दिया, जो अनिर्बान और खालिद पुलिस के आगे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वी आर बड़ी सपोर्टर्स ऑफ सेपरेटिज्म, और जिनका ये वीडियो भी मैंने दिखाया सामने सामने पब्लिक डोमेन के अंदर में है, मैंने नहीं क्रिएट किया। तो या तो वो जरूरत से ज्यादा बेवकूफ है या फिर कोई और चक्कर है, ये किसी प्रकार से मिले हुए हैं, और अगर इतने समझदार हैं तो या तो मिले हुए हैं या फिर ये इतने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं कि अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने माँ तक को बेच सकते हैं। भारत मेरी माँ है, मैं माँ भारत की बात कर रहा हूँ। और ऐसों के साथ में क्या करना चाहिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बात करिए। ये अभी कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद के प्रति एक सडनली उनको एक प्रेम उमड़ा है तो उन्होंने डाला, तो मैं उन्हीं से कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों के साथ में क्या करते, उसी को आप एग्जाम्पल बनाइए और लेट्स डू समथिंग। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा
कि ये बीच में दो लोगों ने बड़े एंथुजियाज्म के साथ में कहा, एक ने कहा कि अगर कोई कन्हैया कुमार का जीप काट के ला देता है तो मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा। तो भाइयों मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हाँ मैंने मैंने कन्हैया कुमार की जीप काटी है। आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके पूरे स्पीच को एक्सपोज किया है, उसकी बोलती बंद कर दी है, एंड इससे बढ़कर जीप काटना क्या होता है। तो आप वो 5 लाख रुपए मेरी संस्था के नाम पे डोनेट करिए। एक और व्यक्ति ने कहा है कि जो कन्हैया कुमार को मारेगा उसके ऊपर मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस एक्सपोज के बाद में उसके इंटेलेक्चुअल डेथ तो सामने ही ऑब्वियस है, सारे चीजें बहुत क्लियर मैंने रूप से कर दिया है। तो आप कोई 11 लाख रुपए भी मेरे संस्था के नाम पर जमा करिए। 16 लाख रुपए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 16 लाख रुपए की हमारी संस्था, जो हमारे देश के शहीद, ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट शहीद जिस बकवास बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेना के लोग मर रहे हैं उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए, जो इतनी सारी महिलाएं हमारी बहनें रेप हो रही हैं इन जिहादियों के पागलपन के कारण, उनके रिहैबिलिटेशन उनके परिवार के सपोर्ट के लिए हम यूज करना चाहते हैं। तो आप उसमें आप उसको दीजिए। और ये देखिए कन्हैया कुमार वगैरह ये सब तो मुखौटे हैं, ये कन्हैया कुमार, अजमल कसाब, अफजल गुरु, याकूब मेमन, ये सब तो इस एक बड़े कुचक्र के बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं, वो छोटे छोटे फ्रंट रनर्स जिनको हम पकड़ के बहुत खुश हो जाते हैं। रियल गेम बहुत बड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ISIS का पूरा एम्पायर चल रहा है, वो अपनी करेंसी चला रहे हैं, वो अपना प्रेस चला रहे हैं, वो अपना TV चला रहे हैं। तो जहां पर इस प्रकार का पागलपन चल रहा है, एंड जहां पर रोज के टेरर अलर्ट्स आ रहे हैं, जहां पर रोज के पठानकोट आ रहे हैं, वी cannot take this thing seriously, and anybody who directly or indirectly supports this nonsense, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर दो दो पार्टीशन के बाद में भी, जो प्योरली रिलीजन के बेसिस पे दो पार्टीशन हुए, 1000 साल तक के उनके पागलों के आतंकवाद और उनके अटैक्स के बावजूद भी अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे, और जहां पर औरंगजेब को मिंडोर्स करते हैं, APJ अब्दुल कलाम की जय बोलने में हमको शर्म आती है, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर हम इस चीज को अगर हम नहीं इंडोर्स कर पा रहे, इस चीज को लेकर अगर हम जीरो टॉलरेंस नहीं दिखा पा रहे। बरखा दत्त ने एक बात बहुत सही बोली थी वो जो टेलीग्राफ कॉन्क्लेव के बाद में, कि इफ वी बिकम सो टॉलरेंट कि वी कैनॉट स्टैंड अगेंस्ट इनटॉलरेंस, दैट वुड बी रिस्की। किसी अंग्रेज कवि की कुछ एक उन्होंने डायलॉग मारा था, अंग्रेजी अच्छा बोलती है बाय द वे। तो मैं उनकी इस बात को एग्री करता हूं कि ये सारा जो इनटॉलरेंस चल रहा है, ये आतंकवाद, ये जिहाद, ये जो बैठ के कश्मीर को आजाद कर देंगे, बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, इस प्रकार के बकवास के प्रति अगर हम टॉलरेंट रहे, इस प्रकार के बरखा दत्त, इस प्रकार के राजदीप सरदेसाई, इस प्रकार के राहुल गांधी, इस प्रकार के केजरीवाल, इस प्रकार के हर वो लीडर्स, हर वो नॉनसेंस जो अपने फायदे के लिए इन टेररिस्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी रूप से स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इनको इंकरेज कर रहे हैं कि आइए हमारे देश में, खुल के आप नारा लगाइए, आइए हमारे देश में गोली गोली मार दीजिएगा, हम आपके फ्रीडम के लिए खड़े हो जाएंगे, कल अगर आपको फांसी लगेगी या कोर्ट आपको विंडिक्ट करेगी, हम बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत था जी, उसके ऊपर रिवैल्यूएशन होना चाहिए, हम मर्सी पटिशन लिखकर प्रेसिडेंट को देंगे। तो जहां पर इतना बड़ा आपके लिए सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, उनके लिए तो मोर देन वेलकम। उनके तो दिमाग में ये बैठाया हुआ ही है कि भैया जन्नत उनको तब मिलेगी जब हिंदुस्तान कैप्चर होगा, गजवाए हिंद बोलते हैं इसको, इसके बारे में कभी और चर्चा करूंगा। तो ऐसे केस के अंदर में अगर हम जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाते, देन वी विल बी जस्ट मेकिंग अ मॉकरी, वी विल बी मेकिंग अ जोक ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स एंड एवरी सोल्जर हु हैज गिवन लाइफ फॉर दिस कंट्री। रामधारी सिंह दिनकर के इस पोएम के साथ में कंक्लूड करूंगा कुछ लाइनें, कि स्वातंत्र्य गर्व उनका जो नर फाकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश, रोटी का मोल चुकाते हैं। वंदे मातरम।